उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अफसरों से बोले, अस्पतालों से असंतुष्ट होकर न जाए मरीज, बेवजह न किया जाए रेफर। अस्पतालों में डॉक्टर समय से आकर ओपीडी में मरीजों का इलाज करे, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था रखी जाए, अस्पतालों से मरीज असंतुष्ट होकर न जाए। यह निर्देश गुरुवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिए हैं। वह लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, अस्पतालों के जिम्मेदारों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ओपीडी में मरीजों को देर तक इंतजार न करना पड़े, इसके लिए ओपीडी काउंटर की संख्या बढ़ाए। जिस स्पेशलिटी में मरीजों की संख्या अधिक हो रही है, वहां दो दो ओपीडी संचालित की जाए। सामान्य बुखार, खांसी, जुकाम के मरीज के इलाज के लिए एमबीबीएस डॉक्टरों को भी ओपीडी में बैठाए। ओपीडी इंदौर और पैथोलॉजी में मरीज को बैठने की व्यवस्था की जाए। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जांच के लिए डॉक्टर समय से अस्पताल पहुंचे, ताकि मरीजों को इंतजार न करना पड़े। इस दौरान लखनऊ से अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद, मिशन निदेशक अपर्णा उपाध्याय, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर वीपी सिंह मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सेंटर पर अपर निदेशक डॉक्टर जीके मिश्रा, सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह, उड़सला निदेशक डॉक्टर सुनील प्रकाश, डॉक्टर अनिल नीलकंठ, काशीराम के सीएमएचओ डॉक्टर सुदेश गुप्ता मौजूद रहे। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अफसरों से बोले, अस्पतालों से असंतुष्ट होकर न जाए मरीज, बेवजह न किया जाए रेफर। कोर्ट में बयान देने के बाद बोली शिष्या, प्रखर महाराज पर लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद है। एक दुखद घटना हुई, जिसमें अम्बेडकर नगर से एक बारात पूरे पहलवान गांव में आई हुई थी, जहां पे 5 व्यक्तियों से भरी हुई गाड़ी, जिसे वापस अम्बेडकर नगर जा रहे थे, जो दर्शन नगर से गंगोली रोड पर शारदा नहर में इनकी गाड़ी गिर गई। गांव वालों के सहयोग से बचाव कार्य चलाया गया, 5 व्यक्तियों को नहर से बाहर निकालकर अस्पताल भर्ती कराया गया, जिसमें डॉक्टरों ने 3 व्यक्ति अतुल, रवि और श्रवण को मृत घोषित कर दिया, बाकी 2 लोग विजय और अरविंद को बचा लिया गया है और डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की गई है।